दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब इसे 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया है। आपको बता दें कि 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच सभी आवश्यक सेवाएं उसी तरह से जारी रहेंगे जैसे पहले थी, बाकी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में पड़ रही ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में संक्रमण की दर 37% तक पहुंच चुकी है। हालांकि आज संक्रमण दर 30% से नीचे आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि संक्रमण दर नीचे आ रही है, ये बढ़ भी सकती है, इसलिए हम पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। कल भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ अलग अलग मंत्रालयों की बैठक हुई। केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है कि दिल्ली को पूरा ऑक्सीजन मिले, मगर ये समस्या अभी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को अब 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। कल केंद्र सरकार ने 10 टन और बढ़ाई है, मगर दिल्ली में 335 मीट्रिक टन तक ही ऑक्सीजन पहुंच रही है। हम और हमारे अधिकारी रात दिन लगे हुए हैं। कई जगह हम सफल हुए हैं, कुछ जगह फेल भी हुए हैं, मगर हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, मगर बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। हमने एक पोर्टल बनाया है जिस पर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर से लेकर अस्पतालों तक को 2-2 घंटे में बताना होगा कि उनका स्टेटस क्या है, जिससे ये पता चलता रहेगा कि किस अस्पताल में किस समय तक के लिए ऑक्सीजन बची है, जिससे समुचित कदम उठाए जा सके। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।